हेलो एवरीवन माय नेम इज सुनीता और आज मैं अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाती हूँ क्लास ट्वेल्व पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम वीडियो को स्किप ना करके कंप्लीट वीडियो देखें जिससे जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए जाते हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल स्टार्ट पॉलिटिक्स डेलपमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज क्वेश्चन नंबर वन भाखड़ा नागल डैम वॉज बिल्ट ड्यूरिंग विच फाइव ईयर प्लान ये जो फाइव ईयर प्लान्स बनाए गए थे उनमें भाखड़ा नागल डैम को किस फाइव ईयर प्लान के टाइम पर बनाया गया था फाइव ईयर प्लान फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ तो जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था ड्यूरिंग नाइनटीन फिफ्टी वन टू नाइनटीन फिफ्टी सिक्स उसमें भागरा नागल डैम को बनाना स्टार्ट कर दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू वट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इज इन इंडिया किस टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया में है ऑप्शन नंबर ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑप्शन नंबर बी सोशलिस्ट इकोनॉमी ऑप्शन नंबर सी मिक्स्ड इकोनॉमी एंड ऑप्शन नंबर डी कम्युनिज्म इकोनॉमी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है जहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी को ज्यादा फोकस किया जाता हो गवर्नमेंट का रोल प्ले जीरो हो तो उसको कैपिटलिस्ट इकनॉमी बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी में कंप्लीट कॉन्क्यूरिंग गवर्नमेंट की होती है जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसका कोई रोल नहीं होता है देन मिक्स्ड इकनॉमी जिसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों तरह के सिस्टम को यूज किया जाए उसको कहेंगे मिक्स्ड इकनॉमी जो यूएसए और यूएसएसआर जब कोल्ड वॉर हुआ उस टाइम आपने ये वर्ड काफी बार पढ़े होंगे कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट तो जो कैपिटलिस्ट था वो यूएसए था और सोशलिस्ट यूएसएसआर बट इंडिया ने दोनों की मेरिट डिमेरिट को देखा और अपने कंट्री को मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स कैपिटलिस्ट भी होगी और सोशलिस्ट भी होगी यहाँ पर गवर्नमेंट की भी चलती है और प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है तो इंडिया में कौन सी इकोनॉमी है मिक्सड इकोनॉमी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड नीति आयोग केम टू एक्सिस्टेंस ऑन डैश ईयर नीति आयोग नीति आयोग क्या है कि जो पहले प्लानिंग कमीशन था उसको चेंज करके और नीति आयोग बना दिया गया है तो नीति आयोग कब बनाया गया किस ईयर में बनाया गया है ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट जनवरी 2014, ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट जनवरी 2015, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट जनवरी 2016 एंड ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट जनवरी

फ़र्स्ट फाइव ईयर प्लान नाइनटीन फिफ्टी वन टू नाइनटीन फिफ्टी सिक्स देन सेकेंड फाइव ईयर प्लान नाइनटीन फिफ्टी सिक्स टू नाइनटीन सिक्सटी वन एंड थर्ड फाइव ईयर प्लान नाइनटीन सिक्सटी वन टू नाइनटीन सिक्सटी सिक्स ये तीनों फाइव ईयर प्लान बन गए थे आफ्टर दैट एक प्लान होलीडे आया वो प्लान होलीडे हुआ नाइनटीन सिक्सटी सिक्स टू नाइनटीन सिक्सटी नाइन थ्री ईयर का ये प्लान होलीडे था जो फर्स्ट टाइम हुआ था गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक प्लान होलीडे लिया जाए और वो टाइम पीरियड था 1966 to 1969. डेवलपमेंट अलाउड एवरी वन टू टॉक अबाउट डिफरेंट कंट्रीज एज डेवलप्ड डेवलपिंग और अंडर डेवलप ऐसे कौन से आइडियाज हैं कि जिससे ये डिसाइड होता है कि ये कंट्री डेवलप्ड कंट्री है ये डेवलपिंग कंट्री है और ये अंडर डेवलप कंट्री है ऑप्शन नंबर ए ग्रोथ ऑप्शन नंबर बी मटेरियल प्रोग्रेस ऑप्शन नंबर सी साइंटिफिक रेशनैलिटी एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबाव किसी भी कंट्री में हम देखते हैं कि ग्रोथ कैसी है अगर ग्रोथ अच्छी है वो डेवलप्ड कंट्री होगा मीडियम है डेवलपिंग होगा और अगर ग्रोथ डाउन है तो अंडर डेवलप होगा ऑप्शन नंबर बी देखते हैं मेटीरियल प्रोग्रेस की किस तरह की प्रोग्रेस कंट्री में चल रही है ज्यादा प्रोग्रेस है डेवलप्ड में इंक्लूड हो जाएगा कम प्रोग्रेस है तो डेवलपिंग में और अगर प्रोग्रेस है ही नहीं तो अंडर डेवलप साइंटिफिक रेशनलिटी तो उसके अकॉर्डिंग भी ज्यादा होगा डेवलप्ड में इंक्लूड एंड कम डेवलपिंग में और बिल्कुल भी नहीं है तो अंडर डेवलप में तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबउ कि जिससे क्लियर हो जाता है कि ये कंट्री डेवलप्ड कंट्री है और डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया वॉज सेटअप इन किस ईयर में प्लानिंग कमीशन की सेटअपमेंट इंडिया में की गई थी अगर हम फाइव ईयर प्लान की बात करते हैं तो नाइनटीन फिफ्टी वन में स्टार्ट हुआ था बट प्लानिंग कमीशन जिसको बाद में चेंज कर दिया गया फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड फिफ्टीन में जो नीति आयोग में चेंज कर दिया गया है उस जो प्लानिंग कमीशन पहले था उसकी स्टेब्लिशमेंट की गई थी option number a 1950 option number b 1953 option number c 1957 and option number d 1960 right answer is option number a 1950 question number 7 in which year first five year plan was started option number a 1950 option number b 1951 option number c 1957 option number d 1965 right answer is 1951 नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट द आइडिया ऑफ फाइव ईयर प्लान वाज़ अडॉप्टेड इन इंडिया फ्रॉम, जो फाइव ईयर प्लान का आइडिया है ये इंडिया ने किस कंट्री से अडॉप्ट किया है ऑप्शन नंबर ए यूएस ऑप्शन नंबर बी यूएसएसआर ऑप्शन नंबर सी यूके एंड ऑप्शन नंबर डी जापान राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यूएसएसआर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन फर्स्ट फाइव ईयर प्लान वॉज ड्राफ्टेड बाय जो पहला फाइव ईयर प्लान बनाया गया था वो किसने बनाया था कौन सा इनमें से ऐसा पर्सन है कि जिसने उसको ड्राफ्ट किया था जिसका टाइम पीरियड था 1951 टू तो 1956 मेन फोकस एग्रीकल्चर के ऊपर था कि इंडिया इंडिपेंड हुआ था फर्स्ट टाइम फाइव ईयर प्लान बनाया गया था तो मेनली एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था ऑप्शन नंबर ए के एन राज ऑप्शन नंबर बी पी सी महाल नॉबिस ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए के एन जिन्होंने फर्स्ट फाइव प्लान को ड्राफ्ट किया था और जो मेन फोकस एग्रीकल्चर के ऊपर किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन सेकेंड फाइव प्लान ऑन जो सेकेंड ईयर प्लान था वो किसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा था जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था उसने एग्रीकल्चर पर ज्यादा फोकस किया बट सेकेंड फाइव ईयर प्लान में हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया जिसका टाइम पीरियड था नाइनटीन फिफ्टी सिक्स टू सिक्सटी वन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन सेनराज तो आपका नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान बनाया था इसने सेकेंड नहीं बनाया ऑप्शन नंबर बी पी सी महालनोबिस ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पी सी महालनौबिस पीसी महलॉबिस ने सेकेंड फाइव ईयर प्लान को ड्राफ्ट किया था और उसमें मेन फोकस हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व नीति फुल फॉर्म अभी मैंने इसको पीछे आपको बताया था वट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति नीति ऑप्शन नंबर ए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ऑप्शन नंबर बी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्म इंडिया ऑप्शन नंबर सी नेशनल इंटेलिजेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबाउट राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति ये किसको चेंज करके बनाया है प्लानिंग कमीशन को प्लानिंग कमीशन की स्टेब्लिशमेंट कब की गई थी 1950 में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बॉम्बे प्लान 1944 रिलेटेड टू 1944 में बॉम्बे प्लान किया गया था तो ये किससे रिलेटेड था फार्मर्स ने किया था या इंडस्ट्रियलिस्ट ने किया था ट्रेडर्स ने किया था या फिर टू डेवलप बॉम्बे तो ये मेनली जो इंडस्ट्रिस्ट थे उन्होंने बॉम्बे प्लान को किया था सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन रीज़न का क्वेश्चन है फर्स्टली आप इन दोनों स्टेटमेंट को रीड कीजिए असरसन द फर्स्ट फायर प्लान एड्रेस्ड मेनली एग्रीरियन सेक्टर इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरीगेशन इट्स राइट रीजन देखते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर वॉज हिट हार्डेस्ट बाय पार्टीशन एंड नीडिड अर्जेंट अटेंशन क्या है कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान मेनली फोकस करना था एग्रीकल्चर के ऊपर डैम्स के ऊपर क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो काफ़ी हार्ड हिट हुआ था ड्यू टू पार्टीशन ऑफ इंडिया और इसके ऊपर अर्जेंट अटेंशन की नीड थी सो बोथ स्टेटमेंट इज़ राइट एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असरसन सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग 1965 टू 67 स्टेट फेस्ड अ फेमाइन सिचुएशन ड्यूरिंग दैट टाइम कौन सा स्टेट है जो फेमाइन सिचुएशन को फेस किया था ऑप्शन नंबर ए पंजाब ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा ऑप्शन नंबर सी यूपी एंड ऑप्शन नंबर डी बिहार तो बिहार इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम फेमाइन बिहार में ही हुआ था तो बिहार ने उस टाइम फेमाइन की सिचुएशन को फेस किया था क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज डिडंट फॉर्म पार्ट ऑफ द अर्ली फेज ऑफ इंडिया डेवलपमेंट पॉलिसी इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जो अर्ली इंडिया के डेवलपमेंट की पॉलिसी नहीं है काफ़ी टफ क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ भी नहीं आया होगा बट ऑप्शन देख लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या है इसमें ऑप्शन नंबर ए प्लानिंग ऑप्शन नंबर बी लिबरलाइजेशन ऑप्शन नंबर सी कॉपरेटिव फार्मिंग एंड ऑप्शन नंबर डी सेल्फ सफिशंसी सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी लिबरलाइजेशन क्योंकि जो प्लानिंग थी ये नाइनटीन में हो चुकी थी कोऑपरेटिव फार्मिंग भी पहले से ही थी एंड सेल्फ़ सफिशियंसी जैसे वीट और राइस में सेल्फ सफिशियंसी हो चुकी थी आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन वीट में काफ़ी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी जिससे सेल्फ सफिशियंसी आ गई थी बट जो लिबरलाइजेशन वर्ड था ये आफ्टर 1991 आया है 1991 में जब एल पी जी को एडॉप्ट किया गया उसके बाद लिबरलाइजेशन वर्ड आया है सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन ये असरसन रीजन का क्वेश्चन है असरसन देख लेते हैं नीति आयोग इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो नीति आयोग है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये बिल्कुल सही है रीजन द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग रीजन रॉन्ग है क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर की जगह प्राइम मिनिस्टर आएगा सो so, आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन

नो दीज राइट आंसर इज प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कि जो प्लानिंग कमीशन है वो प्लान करता है फाइव ईयर के लिए ड्यूरिंग फाइव ईयर टाइम की रिसोर्सिस को कैसे यूटिलाइज करना है किस एरिया में हमें कितना यूटिलाइजेशन करना है कितना यूज़ करना है कितने डेवलपमेंट करनी है सो so, ये प्लानिंग कमीशन ही ऐसा डिसाइड करता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इसमें राइट स्टेटमेंट बतानी है स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट सेकेंड फाइव ईयर प्लान वॉज लॉन्च इन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स ये सही स्टेटमेंट है क्योंकि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान नाइनटीन फिफ्टी वन टू नाइनटीन फिफ्टी सिक्स चला था देन सेकेंड फाइव ईयर प्लान नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में स्टार्ट हुआ था सेकेंड स्टेटमेंट है जनरल पीपल वर लेस एक्साइटेड ड्यूरिंग फाइव ईयर प्लान जनरल पीपल जो कॉमन पीपल थे वो लेस एक्साइटेड थे फाइव ईयर प्लान को लेकर रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि कॉमन पीपल भी काफी एक्साइटेड थे कि ईयर प्लान में किस तरह से प्लान किया जाएगा और मेन फोकस किन के ऊपर किया जाएगा सो राइट स्टेटमेंट ओनली वन ऑप्शन नंबर ए इज राइट फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो राइट right है और सेकंड रॉन्ग है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फर्स्ट फाइव ईयर प्लान एड्रेस्ड मेनली द डैश सेक्टर मैं ये पीछे डिस्कस कर चुकी हूँ कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान मेन फोकस किसके ऊपर किया था एग्रीकल्चर के ऊपर सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एग्रेरियन स्टूडेंट्स आज हमने किए मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्वेंटी एम और आई होप आपने खुद भी सॉल्व किए होंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेट्यून ओके बाय टेक केयर